हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकेबल हाय अगेन। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, हेटअप क्लाउड क्या है, किस काम में आता है, मैंने एक वीडियो बनाया था। लेकिन उसमें क्या था, बहुत सारे यूजर्स ऐसे थे जिन लोगों ने हेटअप क्लाउड को यूज़ करते थे और अपना फोटोज़ जो है वो बैकअप करके रख दिया था, या फिर ऑटोमेटिकली उन लोगों ने बैकअप करके ऑन करके अपने फोटोज़ है, जो भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, वो उन लोगों ने अपलोड कर दिया था। लेकिन अब वो चाहते हैं वो चीज़, वो फोटोज़, वो कॉन्टैक्ट डिलीट कैसे करें, किस तरह से हम अपने फोटोज़ देखें जो अपलोड हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली कि आप किस तरह से आप अपने जो क्लाउड में जो अपने डाले थे फोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, वो किस तरह से डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। तो आप इस वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेटअप क्लाउड के अंदर जो भी फोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट्स आप किस तरह से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो हे फ्रेंड्स, मैं हूं तपोस, आप देख रहे हैं ओपन कीजिए, एप्लीकेशन ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अगर आपका फोटो इधर ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुका है तो आपको इधर दिखाएगा, जैसे कि मैंने खुद ऑन किया था और फोटोज़ अपलोड हो गया था। ये 560 MB 560 MB टोटल फोटोज़ इधर आ चुका है। लेकिन हम मैनेज पर क्लिक करते हैं, देखिए मैनेज पर क्लिक करते हैं, लेकिन फोटोज़ दिखा रहा है कि इतना फोटोज़ है, लेकिन फोटोज़ कहाँ गया, कैसे गया, कुछ भी नहीं दिखाता। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके फोटोज़ या फिर कौन से जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह लेके रखा है, या फिर आपने खुद उसको दिया है परमिशन, तो वही तो लेगा ना। तो अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से इसको देखे कौन से फोटोज़ है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए फ्रेंड्स, ताकि आपको पता लग जाए। फिर आप देखेंगे हेटअप क्लाउड के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है visithetap.com, इधर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। तो एक और बात बोल देना चाहूँगा, हेटअप क्लाउड आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था उधर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, आपने जो फ़ोन नंबर डाले थे, ईमेल एड्रेस डाले थे, फिर आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। आपको ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना होगा, बिना फ़ोन नंबर के और पासवर्ड के आप इधर ऐड नहीं कर सकते, मतलब कि लॉग इन नहीं कर सकते अपने हेटअप क्लाउड अकाउंट में। तो हम अपना नंबर डाल लेते हैं। तो देखिए मैंने अपना डाल दिया है अपना अकाउंट और पासवर्ड। अगर आप अपना भूल चुके हैं पासवर्ड कौन सा था अपने डाले थे, तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके देख सकते हैं। फिर हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आप देखेंगे आपको एक नया वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो आप देखेंगे ध्यान से अगर देखेंगे तो इधर आपको दिखा रहा है 560 MB और 5 GB, और इधर आपका फ़ोन नंबर के बाद कुछ स्टार स्टार लिखा हुआ है, और ये है मेन चीज़, अपना फोटोज, SMS, कॉन्टैक्ट्स, क्लाउड, ब्राउज़र, हिस्टोरी, डेटा, सब कुछ इधर लिखा है, मतलब कि वो बैकअप करके रखा है। तो आप कैसे देखेंगे आपने कौन सा फ़ोटोज लिया था, तो हम फोटोज़ पर क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे लॉक हुआ था, तो लॉक का मतलब है कि आपको इधर एक कोड आएगा, वो कोड आपको इधर वेरीफिकेशन करना पड़ेगा। आपका जो फ़ोन नंबर है, देखिए कोड आ चुका है, तो मैं कॉपी वेरीफिकेशन कोड करूँगा और ये इधर डाल दूँगा, फिर वेरीफाई पर क्लिक कर दूँगा। बिना वेरीफाई किए आप फोटोज़ अपना नहीं देख सकते। तो ये देखिए, ये वो फोटोज़ और वीडियोज़ है जो मेरा ऑटोमेटिकली बैकअप हो गया था, क्योंकि मैंने ऑन किया था, इसलिए पहले मैं इसको यूज़ नहीं करता था। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ लेके रखा है, अगर आपको नहीं पता तो ये एक अच्छा चीज़ है। अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं गूगल फोटोज़ यूज़ करता हूँ, गूगल ड्राइव यूज़ करता हूँ। तो आप इसको इधर से किस तरह से डिलीट करें, वो एक चीज़ है, प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। देखिए एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, आप डिलीट कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इधर टैप करना पड़ेगा, देखिए एक एक करके आप टैप करेंगे तो ये सारे डिलीट हो जाएगा। देखिए सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है एक साथ, देखिए सिलेक्ट ऑल, देखिए सिलेक्ट ऑल होने के बाद आप देखेंगे ब्लू हो चुका है। फिर आप देख सकते हैं एक डाउनलोड है, दो ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आपका जो फोटोज़ वो चला गया है, आप इधर से दो यूज़फुल काम कर सकते हैं, एक डाउनलोड कर सकते हैं इसको ओरिजिनल फोटोज़ की तरह, या फिर आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड पर क्लिक करना, आपका फोटोज़ आ जाएगा। तो लेकिन मैं इसको डिलीट करूँगा, तो जी हाँ, डिलीट सिलेक्टेड ऑन 28 आइटम्स, मतलब कि इतना फोटोज़ मेरा है लेके रखा है। तो ये देखिए सारे चला गया है, फिर भी इधर 560 MB दिखाता है, लेकिन किस वजह से मुझे नहीं पता। रिसाइकल बिन, ओ मतलब कि रिसाइकल बिन में ये चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रिसाइकल बिन में आ जाएगा, तो आपको फिर से डिलीट करना पड़ेगा। बहुत ही
ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमें रिसाइकल बिन में भी नहीं चाहिए। तो आपको सिंपल से फिर से वो सेम प्रोसेस अपना है, मतलब कि अपनाना है। इसको भी आपको सारे सिलेक्ट कर लेना है एक साथ, आप सिलेक्ट कर सकते हैं इधर अब टैप करके, फिर डिलीट। ये देखिए डिलीट, तो ये डिलीट हुआ है फाइनली। फिर भी मुझे दिखा रहा है इधर 560 MB, पता नहीं क्यों। तो मैंने रिफ्रेश किया, फ्रेंड्स रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे अगर 1 MB दिखा रहा है, मतलब कि कुछ और भी मैंने शायद अपलोड किया है। तो SMS पे देखते हैं हम, तो ये देखिए SMS में भी कुछ नहीं है, और कॉन्टैक्ट्स देखते हैं। ये देखिए मेरा कॉन्टैक्ट्स भी इधर अपलोडेड है। तो एक अच्छी बात है, अगर आप बाय चांस भूल जाते हैं अपना स्टोर करना, तो आप इधर से कॉन्टैक्ट्स को अपना सेव भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं और भी तरीके हैं कॉन्टैक्ट्स को सेव करने के लिए। ये देखिए इतने सारे हैं, तो मैं ये सारे डिलीट कर दूंगा। सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये देखिए फिर से शायद रिसाइकल बिन में जाएगा। जी हाँ, तो आपको फिर से रिसाइकल बिन से डिलीट करना पड़ेगा। ये देखिए सेलेक्ट ऑल, फिर डिलीट पर, सॉरी नॉट रिस्टोर, डिलीट परमानेंटली, ओके। और देखते हैं क्लाउड स्टोरेज में कुछ रखा है हमने या फिर नहीं। इधर भी कुछ नहीं है, ब्राउजिंग का कुछ इधर रखा है नहीं, स्टोरेज डेटा पे कुछ रखा है या फिर नहीं, में आते हैं। तो फाइनली आप इधर देख सकते हैं 0 MB है, मतलब कि टोटल जो डेटा था हमारे वो सारे चला गया है इस वजह से। तो कुछ इसी था पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपना जो है टैप क्लाउड के अंदर जो अपने डेटा रखे थे वो सारे एक एक करके आप डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन अगर अपना अकाउंट नंबर या फिर पासवर्ड अगर भूल चुके हैं तो वो तो गया, मतलब गया के मतलब कि आप अपना अकाउंट भी ला सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड करके। तो कुछ इसी तरह से फ्रेंड्स आप अपने सारे डेटा आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपका इधर फोटोज़ मतलब कि आ गया था तो आप उसको वापस भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उसको रख भी सकते हैं, आप यूज़ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको एक बार दिखा दिया कि आप किस तरह से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं अपना फोटोज़ वगैरह। फिर आप लॉगआउट कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। एक बार हम हेटअप क्लाउड ओपन कर लेते हैं। और हाँ, ये फिर से अगर बैकअप ना ले लें उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी आप देख लीजिए। तो ये फिर से आपका डेटा सारे बैकअप ना ले लें, इसके लिए आपको सब ऑफ करके रखना पड़ेगा। फिर ऐसे देखिए ऑफ 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 सब मैंने ऑफ करके रखा है, ये देखिए सब ऑफ करके रखा है मैंने। अगर आपको ये टोटली ऑफ करना है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और ऐप इन्फो पे जाइए। आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आप स्टोरेज पर क्लिक कीजिए, फिर क्लियर डेटा कर दीजिए, फिर फोटो स्टॉप कर दीजिए, फिर कभी भी इसको ओपन मत करना। जी हाँ, कभी भी इसको ओपन मत करना, बस इतना सा काम है। इसके बाद ये आपका क्लाउड स्टोरेज नहीं ऐड करेगा, मतलब कि अपना फोटोज़ वगैरह ऑटोमेटिकली अपलोड नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हेटअप क्लाउड के अंदर अपना फोटोज, वीडियोज, कॉन्टैक्ट वगैरह किस तरह से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। हालांकि ये एक यूजफुल चीज़ भी हो सकता है, अगर आप अपने फोटोज़ जो है वो आप बैकअप करके रखना चाहते हैं उस क्लाउड बेस में, तो आप रख सकते हैं। कॉन्टैक्ट वगैरह आपका वो भी सेव हो जाएगा, बैकअप करके हो जाएगा, आपको जब ज़रूरत पड़ेगा आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाया किस तरह से परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है या फिर नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं आपको ये वाला वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और एक बार अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना यार। इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे अगर चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं।